Hey everyone, how are you all? This is Priya and welcome back to my channel. Okay guys, आज मैं आपके साथ अपना cleaning routine share करने वाली हूँ. और cleaning routine in the sense ये है कि क्योंकि Christmas नज़दीक है, Christmas पास आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ cleaning कर लूँ. तो सबसे पहले तो मैं आज अपना wardrobe clean करने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपना fridge का जो cleaning बताया था, और वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि पिछले दो महीने से मैंने कुछ proper cleaning नहीं किया था fridge का कुछ reasons के वजह से. तो इसीलिए सेम हालत मेरे वार्डरोब की भी है. तो मैंने काफ़ी टाइम से वार्डरोब क्लीन नहीं किया था, तो सोचा आज मैं क्लीन कर लूँ. तो इसीलिए आज और कल के दिन में मैं कुछ क्लीनिंग करने वाली हूँ, और उस क्लीनिंग के लिस्ट में है ये वार्डरोब और मेरा किचन. तो गाइस, ये है मेरे मॉम डैड जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनको मैं बहुत मिस करती हूँ, और इनकी ये फ़ोटो है. और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे मेरे कबर्ड में क्यों रखा है. वो इसलिए क्योंकि मैं रेंटेड फ्लैट में रहती हूँ, तो यहाँ पर मैं कोई ड्रिलिंग नहीं कर सकती, और इस फ़ोटो को पीछे स्टैंड भी नहीं है, इसलिए मैंने मेरे फ़ोटो को अंदर कबर्ड में रखा था. तो अब मैं शुरू करूँगी अपना जो वार्डरोब का क्लीनिंग है वो. तो सबसे पहले मैं अच्छी तरह से वार्डरोब को अंदर से एक कपड़े से पोंछ रही हूँ अच्छे से. और उसके बाद अब मैं सारे जो मेरे टॉप्स जो हैं उनको फ़ोल्ड करूँगी और उनको अलग से रखूँगी, और जो भी वन पीस ड्रेसेस हैं वो भी मैं अलग से फ़ोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि हमेशा मैं ऐसे ही रखती हूँ. लेकिन आपको पता ही है गाइस, ये तो किसी के साथ भी होता होगा कि हम लोग कितना भी ऑर्गेनाइज रखें कोई भी चीज़ को, वो थोड़े ही दिनों में फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, और फिर से वो ऊपर नीचे हो ही जाता है. तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा मुझे. तो ऐसा है कि अभी मैं सारे कपड़ों को अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ, और ये हो गया मेरा कबर्ड का ऑर्गेनाइजेशन. ये है आफ्टर का जो व्यू है, मतलब पहले तो आपने देख ही लिया था कि मेरे वार्डरोब की क्या हालत थी, और अब आप देख पा रहे हो कि अच्छी तरह से मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है. तो गाइज़, मेरे पास सिर्फ दो वार्डरोब्स हैं, और दूसरा जो वार्डरोब है बच्चों का, वो मैं आज क्लीन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा क्लीन ही है. और गाइज़, ये है नेक्स्ट डे. अब मैं किचन का क्लीनिंग करने वाली हूँ, और ये जो प्लेटफॉर्म है ना मेरा, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस लाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाई दे रहा है ये जो ग्रिलर है ना, ये मैं लाई हूँ, ये न्यू है. तो इसको रखने के लिए मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ मेरे प्लेटफॉर्म पर चेंजेस कर लूँ. तो ये जो नीचे जो आपको कैबिनेट दिख रहा है ना, ये मेरा स्टोरेज कैबिनेट है, जहाँ पर मैं जो भी एक्स्ट्रा राशन जो रहता है वो मैं रखती हूँ. तो आज मैं कुछ चेंजेस लाऊँगी इसमें, ताकि मैं अपना जो ग्रिलर है वो मैं अच्छी तरह से रख सकूं. तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये जो कैबिनेट है इसे अच्छी तरह से खाली कर दिया है, सारा सामान निकाल लिया है, और अब मैं इसे एक गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी. और ये कपड़ा जो है, इस पानी में मैंने सिर्फ फिनाइल लिया था और पानी लिया था, और इसी में कपड़ा जो भिगोकर मैंने पोंछ लिया है. और अच्छी तरह से इस जगह को पोंछ लेने के बाद, मैं यहाँ पर ये जो हिट है, जो ऑल इंसेक्ट किलर है, इसे मैं स्प्रे कर दूँगी हर एक कॉर्नर में, इस कैबिनेट के हर एक कॉर्नर में मैं स्प्रे करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने सारे जो राशन का सामान है वो रखती हूँ, तो इसमें जो स्पाइडर्स हैं या कॉकरोचेज हैं या चींटियाँ हैं वो ना आए, इसलिए मैं हर तरफ इसे स्प्रे कर दूँगी. और उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि अगर इसके बाद आप इमीडिएटली सामान रखोगे ना गाइस, तो सारे सामान से इसकी जो स्मेल है वो आएगी. इसलिए ये जो मैं स्प्रे कर रही हूँ ना, इसके बाद कम से कम मैं 2 से 3 घंटे के लिए मैं वेट करूँगी ओपन रखकर, और उसके बाद ही मैं इसमें सामान रखूँगी. तो गाइस, हो गया है मेरा क्लीनिंग. तो मसालों का जो रैक है वो तो मैंने ऐसे ही रख दिया है, इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं ला सकती थी. लेकिन वो जो प्याज और आलू का जो रैक है ना, वो मैंने नीचे रख दिया, और अब आप देख पा रहे हो कि मेरे प्लेटफॉर्म पर कितना स्पेस हो गया है, और ये जो मेरा ग्रिलर है वो भी मैं रख पाई हूँ यहाँ पर अच्छी तरह से, और बहुत ही स्पेस हो गया है यहाँ पर. तो ऐसे मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया मेरा ये वाला जो प्लेटफॉर्म है वो. और अब आपको मैं दिखाती हूँ नीचे जो मेरा स्टोरेज का कैबिनेट है,
तो ये है प्याज और आलू का जो रैक है वो मैंने नीचे रख दिया, और इस तरह से मैंने अपना ये जो स्टोरेज का जो कैबिनेट है उसे ऐसे करके ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। अब बहुत ही क्लीन लग रहा है। अब मैं अपने मेन प्लेटफॉर्म जो किचन का मेन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी इसके जो वॉल है उससे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर ऑयलीनेस और ग्रीसी हो जाता है ये वॉल, तो मैं यहाँ पर अच्छी तरह से इस वॉल को पहले वॉश कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ के सारे वॉल्स अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। अब ये प्लेटफॉर्म वॉश कर लूँगी। गाइज़ ये तो हमारा रोज़ का काम है, ये जो प्लेटफॉर्म का जो क्लीनिंग है वो तो हम रोज़, यानी कि मैं हम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सारी लेडीज़ अपने किचन को तो ऐसे ही क्लीन करते ही हैं, और सिर्फ मेन काम था जो वॉल था उसे मुझे क्लीन करना था। तो अब मेरा किचन भी क्लीन हो गया है और ये आप देख पा रहे हो। कितना अच्छा लग रहा है अब मेरा किचन, एकदम स्पिक एंड स्पैन, एकदम क्लीन लग रहा है सब कुछ। मेरा वॉल भी बहुत शाइन कर रहा है, किचन का सारा ग्रीसीनेस निकल गया है। और आप सोच रहे होंगे कि ये जो मेरे गैस स्टोव पर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो बर्तन है उसमें राइस है, और ना गाइज इस राइस के जो बर्तन है ना, इसको मैंने इस प्लेट में रखा है और इसमें पानी डाला है क्योंकि बहुत चींटियाँ आ गई हैं और अचानक आ गई हैं, और मैंने बहुत सारी उपाय की लेकिन फिर भी इसमें चींटी लग जाती है राइस में, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे रखा है तो इसमें चींटी नहीं लग। तो सो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा क्रिसमस सेलिब्रेशन, और मैंने अपने क्रिसमस में कैसे घर को डेकोरेट किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, मेरा नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय फॉर नाउ एंड बी हैप्पी ऑलवेज, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।